हेलो फ्रेंड्स, अब ये पूछेंगे कि गरीब फैमिली का स्टूडेंट, मीडियम क्लास फैमिली का स्टूडेंट या रिच क्लास फैमिली का स्टूडेंट फॉरेन जाए तो उनमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और वहाँ पीआर कौन बनेगा। अकॉर्डिंग टू मी, जो मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट है वो वहाँ जाके पीआर इजीली पा सकेगा, क्योंकि अगर आप पुअर फैमिली के स्टूडेंट हैं तो वहाँ जाने की फीस बहुत ही ज़्यादा है। वो ज़्यादातर पुअर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकेंगे तो वो नहीं जा सकेगा, और वहाँ भी जॉब इजीली नहीं मिलती, तो आपको शुरू शुरू में पैसे घर से मंगवाने पड़ेंगे। रिच फैमिली का स्टूडेंट वो वहाँ जाके जॉब नहीं कर सकेगा, क्योंकि वहाँ की जॉब बहुत हार्ड होती है, जबकि उसने अपनी फैमिली में बहुत लग्जरियस लाइफ जी होती है। तो सबसे जो एवरेज स्टूडेंट बोला जाता है वो मिडिल क्लास फैमिली का होता है, क्योंकि उसने छोटी मोटी लोन लेके अब्रॉड गया है, तो उसको ये पता है कि उसको लोन का रीपेमेंट करना है, तो वो कोई भी जॉब कर लेगा। तो मेरे ख्याल से मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट ही वहाँ जाके सक्सेसफुली परमानेंट रेसिडेंस हो सकेगा, क्योंकि वो कोई भी एनवायरनमेंट में इजीली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये अकॉर्डिंग टू मी है। बाकी पुअर फैमिली का स्टूडेंट भी पीआर हो सकता है, रिच फैमिली का स्टूडेंट भी पीआर हो सकता है, ये सम लॉजिक है जो एवरेज 50 से 60% काम करता है। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट हैं तो आप इजीली पीआर हो सकते हो। अगर आप रिच फैमिली बिलोंग करते हो तो आपको ये माइंड में लग के चलना पड़ेगा कि शुरू शुरू में आपको कोई भी जॉब इजीली नहीं मिलेगी, आपको कोई भी जॉब करनी पड़ेगी। अगर आप पुअर फैमिली के बिलोंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके वहाँ स्टडी के लिए जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें माइंड में रखना। थैंक यू वेरी मच।